फूलों के रूबरू था सितारों, बहुत ही सितारियों, डॉक्टर सिंदर सिंह जी, प्रिंसिपल साहब, आईओपी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर गुजारा जी, फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जो आज का समागम आप सारे बैठ के थोड़े कॉलेज के सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ग्रेट हॉकी विजर्ड ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उत्ते ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि साडा नैशनल स्पोर्ट्स डे भी है। अगर आप हिंदुस्तान की हॉकी का जो अनबीटेबल रिकॉर्ड है, 8 ओलंपिक टाइटल, 1 वर्ल्ड कप टाइटल और 2 एशियन गेम्स, मैं समझना कि किसी भी देश ने किसी भी गेम के इन्ना तगड़ा रिकॉर्ड वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक के अंदर या वर्ल्ड कप किसी भी देश का नहीं है, लेकिन सिर्फ साडे देश का ही है। और साडा एक रिकॉर्ड है कि ध्यानचंद जो कि हु हैपन्स टू बी दी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दी गेम ऑफ हॉकी, उन्होंने समर्पित है। और अगर ध्यानचंद के जीवन, उन्होंने खेल कैरियर और उन्होंने पर्सनैलिटी एनालिटिकली आप देखिए तो कुछ पॉइंट जो सेलिंग पॉइंट्स वर्क होंगे ने। सब तो पहला है कि ध्यानचंद उस वेले हॉकी खेडे जो कि हॉकी दुनिया के ओलंपिक्स के अवॉर्ड हो रही थी, 1928, 1932, 1936 की ओलंपिक्स और 36 की बर्लिन ओलंपिक्स की टीम की कप्तानी की थी। और दुनिया के महान 4 या 5 खिलाड़ियों में ध्यानचंद जी का नाम हमेशा ही गिना जाता है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स संबंधित हो। दूसरा है कि ध्यानचंद का जो जन्म सी एक बहुत ही मीडियोकर फैमिली, बिलो एवरेज हंबल बिगनिंग वाली फैमिली में होया सी, लेकिन उन्होंने दुनिया के महान जो खिलाड़ी से उस वे, क्योंकि प्रिंसली स्टेज के अलीट सोसाइटी या क्रीमी लेयर की सोसाइटी की सी, वो लोग उस वे खेडा खेडा करते सन, उन्होंने नाल ही रॉकशिट शोल्डर विद दोज पीपल, और उन्होंने उस टीम की कप्तानी की। तीसरा है कि वो एक बहुत ही ग्रेट स्पोर्ट्समैन सी, उन्होंने अंदर बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप की भावना सी, और कभी भी उन्होंने किसी वाल भी इनवेल कैरी नहीं की, चाहे कोई स्पोर्ट्स एडमिशन च हो, चाहे अपोजिंग टीम हो, या किसी गोलकीपर ने या किसी फुलबैक ने अपोजिट टीम के ने सट मार की कोशिश की हो, बट ही केम बैक ऑलवेज विद वेंजेंस टू स्कोर मोर गोल्स एंड सीरियसनेस ऑफ पर्पस। देखो तक कि अपने भरा या के डी सिंह बाबू वर्गे जो महान खिलाड़ी हुए हैं, उन्होंने भी उस पेर नहीं सी करते जो कि टीम के कोच बैक करते सर या टीम के कप्तान रह करते। But at the same time, being the most talented sportsman of the country, yet he was a very modest person. और बहुत ही सिंपल सोच है। किसी ने उन्होंने पूछा कि दादा जी तुहाडे बच्चे किन्ने ने, कहिंदा पता नहीं जो छुट्टी जाना पीछे से कदा पैदा हो जाता है। सिंपल सोच। और उन्होंने सिर्फ पर्सनली कंट्रीब्यूट नहीं किया हिंदुस्तान की हॉकी वास्ते, बट ही बिकेम सिनोनिमस विद द एक्सलेंस। और उन्होंने के डी सिंह बाबू साहब, रणवीर सिंह वर्गे जो कि 36 तो बाद 48 के ओलंपिक्स, 52 के ओलंपिक्स, 1956 के ओलंपिक्स के कप्तान रहे जितते, उन्होंने वास्ते भी उन्होंने बहुत बड़ी देन सी। और ध्यानचंद जो कि साड़ी 1975 की वर्ल्ड कप की तुसीं क्लिपिंग देखी है, उहदे विच मैनूं फखर है कि सैमी फाइनल के विनिंग गोल मैं किया सी, और फाइनल के ध्यानचंद के विनिंग शॉट गोल किया। बट ही नेवर गॉट डिटेक्टेड विद फेलियर्स, विद रिजेक्शंस और विद डिसअपॉइंटमेंट्स। और सब आप सारे स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को ये लेसन सीखना है उन्होंने जिंदगी तो, उन्होंने जीवन तो, कि डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ के हमने गुरबंधा जी कह रहे थे कि टिल सच टाइम यू हैव फॉल्स इन यू, यू विल फेस प्रॉब्लम्स। आई टोटली एग्री विद हिम। और इवन चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर के ब्रिटिश थे, उन्होंने भी यह कहा कि फेलियर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ अचीविंग सक्सेस।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਪੈਨੀਅਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਜਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਔਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਜੀ ਹਾਉ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਵਟ ਹੀ ਵਾਸ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ He was a goal scoring machine who had perfected the art of scoring the goals, even on the spur of the moment. Aur innovative ideas ke naal, innovative movements ke naal, woh goal karte rahe. Aur practice jehdi hai, wohi insaan nu acha khiladi banaundi hai. Aur jehdi padhai apa karde hai rozana, wohi padhai sanu acche ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਹੀ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਆਵਰ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਵਰਡਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਏਮ ਫਾਰ ਦੀ ਸਟਾਰ aim high in life so that even if you don't keep the star you can land up at least on the moon and who can teach us this lesson better than Kalpana Chawla and Sunita Williams jo ke dono hi sade bharti nagrik hoye hain main principal Sri Sharma ji da pure staff member Randhawa sahab da ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਔਰ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਡੀ ਏ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੰਦਰ ਜੀ ਉਸੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਾਂਜੀ